वेलकम जैसा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं पहला इंटरवेंशनिस्ट जिसमें कि मनकटलिज्म आती है और दूसरा जो हिस्सा है दैट इज फ्री ट्रेड थ्योरीज अब जो पहला हिस्सा है इंटरवेंशनिस्ट वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके साथ साथ हमने फिर न्यू मर्केटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखा आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज दैट इज फ्री ट्रेड थ्योरीज तो फ्री ट्रेड थ्योरी में जो पहली थ्योरी है दैट इज एब्सलूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी एडम स्मिथ ने अपनी बुक पे द वेल्थ ऑफ नेशन अब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि एब्सुलूट एडवांटेज होता क्या है द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोलूट एडवांटेज रेफोर्स टू एबिलिटी ऑफ ए पार्टी जब किसी इंडिविजुअल के पास या किसी फर्म के पास या किसी कंट्री के पास इस चीज की एबिलिटी है कि वो ज्यादा क्वांटिटी में गुडूस प्रोड्यूस कर सकता है अपने कंपिटेटर से यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स तो हम कहेंगे जो पार्टी ज्यादा क्वांटिटी में गुडूस प्रोड्यूस करती है उसके पास एब्सलूट एडवांटेज हैं अपने कंपिटेटर से फॉर एग्जाम्पल अगर दो कंट्रीज हैं कंट्री ए और कंट्री बी और ये सेम अमाउंट ऑफ इनपुट यूज करती हैं लेकिन जो कंट्री ए है ज्यादा क्वांटिटी में गुडूस प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू बी तो हम कहेंगे जो कंट्री ए है इसके पास एप्सोलूट एडवांटेज है उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में यह था कॉन्सेप्ट एप्सोलूट एडवांटेज का लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है जब एडम स्मिथ ने यह प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया था तो उस टाइम उसने जो इनपुट लिया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वो था यानी कि आ, जो टाइम है टाइम, लेबर जिसे हम कहते हैं तो उसने ये only जो इनपुट यूज किया था असल में बहुत सारे इनपुट्स है जो एक कमोडिटी को बनाने में लगते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ले फ्यूल है मटेरियल है इक्विपमेंट्स है आ, लेबर भी है तो लेकिन जब एडम स्मिथ ने ये प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया था और ये जो थ्योरी उसने दी थी तो उस टाइम उसने जो लेबर है ये प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी उसने ये एज्यूम किया था कि जो लेबर है ये ओनली सोर्स ऑफ इनपुट है तो आई होप को आपको समझ आया होगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट देखिए अब एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड बिटवीन टू नेशनड एडवांटेज यानी कि एडम स्मिथ कहते हैं दो नेशंस को आपस में ट्रेड करने के लिए जरूरी है कि दोनों नेशंस करें उस ट्रेड से अगर दो नेशंस वॉल्टरली ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए जरूर, तो दोनों नेशंस के लिए जरूरी है कि दोनों नेशंस गेन करें उस ट्रेड से वो गेन कैसे होगा वो गेन होगा एप्सलूट एडवांटेज से देखिए जब एक नेशन मोर इफिशियंट है या हम कहेंगे उसके पास एप्सलूट एडवांटेज है किसी एक कमोडिटी किसी इन द प्रोडक्शन ऑफ एन कमोडिटी बट इज लेस इफिशियंट या हम कहेंगे उसके पास एप्सलूट डिसएडवांटेज है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर नेशन

अब एक कंट्री है ये मोर इफिशंट है या हम कहेंगे इसके पास एबसोलूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वन और इसके पास एबसोलूट डिसएडवांटेज हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टू लेकिन जो नेशन पी है इसके पास एब्सोलूट एडवांटेज है इस प्रोडक्ट इस कमोडिटी में कमोडिटी टू में और इस कमोडिटी में एबसुलूट डिसएडवांटेज है तो इस तरह की सिचुएशन में दोनों नेशनज गेन कर सकते हैं ट्रेड से अगर वो उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करे जिसमें इनके पास एप्सलूट एडवांटेज हैं यानी कि कंट्री ए के पास इसमें एप्सलूट एडवांटेज हैं अगर वो इसमें स्पेशलाइज करे और कंट्री बी अगर इस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करे यानी कि एडम स्मिथ का ये मानना है कि इनस्टेड ये जो कंट्री ए है ये इस गुड्स पे भी अपने रिसोर्स यूज करे इस पे भी जो है इनपुट्स uh, यूज करे फिर सप्लाई uh, हो इन गुड्स की इनस्टेड ये इस चीज पे ज्यादा जोर दे कि ये स्पेशलाइज करे और फिर इसका एक हिस्सा एक्सचेंज uh, करे अपनी uh, जो दूसरी कंट्री है उस गुड्स के साथ जिसमें उससे एब्सोल्यूट एडवांटेज है यानी कि अगर कंट्री ए के पास प्रोडक्श कमोडिटी वन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो इसे एक्सपोर्ट करे और वहां से इंपोर्ट करे वो कमोडिटी जिसमें कंट्री बी को जो है वो एब्सलूट एडवांटेज है तो इस तरह से जो दोनों कंट्रीज हैं वो बेटर पेड ऑफ होंगे और जो ओवरऑल वर्ल्ड की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी तो ये था कॉन्सेप्ट एब्सलूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का अब इस चीज को जो है हम आखिर में एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अब देखिए एडम सिमित हैं कि जो कॉन्सेप्ट गोल्ड होर्ड था यानी कि सोना जमा करना दैट एन फॉर्म ऑफ अब गोल्ड जो है दैट कैन ऑनली बी एक्मुलेटेड यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्स जो मर्केंटलिस्ट थे वो कहते थे जो फॉरेन ट्रेड है हमें उसके थ्रू जो है गो, गोल्ड अक्यूमुलेट करना होगा ताकि हम आ, ताकि जो है हम बन well जाए और अल्टीमेटली फिर एज ए पावरफुल इमर्ज भी होंगे या पावरफुल भी होंगे अगर हमारे पास ज्यादा गोल्ड है तो इसने कहा कि इट्स एन एलूजरी फॉर्म ऑफ वेल्थ अगर आप इस तरह चाहते हैं कि आप इस तरह गोल्ड जो है वो करें तो इट्स एन एलूजरी फॉर्म ऑफ वेल्थ फिर अगर आपको याद होगा तो डेविड ह्यूम ने भी इसे कहा कि इस तरह का जो सिस्टम है इकोनॉमिक पॉलिसी है ये लॉन्ग रन में रन नहीं कर सकती है ये इस तरह की जो है उसने फिर एक इनकसिस्टेंसी uh, uh, inconsist, जो है वो एक्सप्लेन की थी कि किस तरह जो है एक फेलियर सिस्टम है तो गोल्ड कुड बी अक्यूलेट बाय यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्स टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स विच रिड्यूस डोमेस्टिक रिसोर्स अवेलेबल फॉर बिल्डिंग प्लांट्स्यूमेंट एंड फॉर सेटिसफाइंग डोमेस्टिक प्लांट्स विच इज द ट्रू सोर्स ऑफ वेलफेयर गेन्स यानी कि जो नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में है वो गोल्ड एक्यूमुलेट करना नहीं है बल्कि वो इस चीज पे ज्यादा जोर देना है कि वो सेटिस्फाई करे जो डोमेस्टिक वांट्स हैं उनको फिर चाहे इसका मतलब ये क्यों ना हो कि आपको इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं गुड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ योर सिटीजन तो इसने ज्यादा इसी चीज पे जोर दिया फ्री ट्रेड पे जोर दिया कि आप जो है इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको छोड़ के स्मिथ ने ज्यादा जो कहा कि जो वेलफेयर है असल वेलफेयर है एक कंट्री का वो अपने सिटीजन को प्रोवाइड करना गुड्स एंड सर्विसेज तो ये था कॉन्सेप्ट तो आगे फिर कहते हैं कि वेदर द advantage ये जो जो पहली स्लाइड है जो हमने डिस्कस की थी तो ये असल में वही है लेकिन ये ली गई है आ, की बुक से वेदर द नेशन विच वन कंट्री हैज एन अदर बाई नेचुरल और अकोर इज इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एज लॉन्ग एज वन कंट्री हैज दोज एडवाटेज other कंट्री वॉन्ट्स दैम

तो अब इस थ्योरी के कुछ एजम्पन हैं जो पहला एजम्पन है कि ये जो मॉडल है एब्सलूट एडवांटेज थ्योरी का इसने टू कंट्रीज ये कहता है कि जो ट्रेड है वो खाली दो कंट्रीज के बीच हो रहा है यानी कि इस थ्योरी ने ये एज्यूम किया है कि इसने खाली दो कंट्रीज लिया है फिर उनके बीच का जो ट्रेड है uh, किस तरह होगा तो वो एक्सप्लेन किया है अब इस मॉडल में दो कंट्रीज हैं और खाली दो कमोडिटीज हैं जो उसने एनालाइज किया इस मॉडल को उसमें खाली उसने दो कंट्रीज और दो कमोडिटीज का यूज किया देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे कास्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वो इसने इग्नोर किया है स्मिथ एज्यूमर डायर कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज कंप्यूटेड बाय द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लेबर जैसे कि हमने पहले ही स्लाइड में भी देखा कि जब हमने जो प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट एडवांटेज का एक्सप्लेन किया था तो इसने एज्यूम किया है कि जो लेबर है वो ओनली सोर्स ऑफ जो ओनली इनपुट है वो ओनली इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज जो है वो लेबर है तो अब किसी प्रोडक्ट का वैल्यू कंप्यूट करने के लिए उसमें कितना कितना अमाउंट ऑफ लेबर लगता है तो इस पर बेस्ड होगा कि वो वो जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट क्या होगी तो ये भी एक एज्शन है कि जो कास्ट है वो डिटरमाइन होता है अमाउंट ऑफ लेबर जो जरूरत है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में ये एज लेबर वाज मोबाइल विद इन ए कंट्री अब एक और एजम्पन है कि जो लेबर है वो मोबाइल है विद इन द कंट्री यानी कि सपोज अगर कंट्री ए कंट्री वन प्रोडक्ट ए बना रही है और प्रोडक्ट बी बना रही है तो प्रोडक्ट ए से इस कमोडिटी से हम जो यहाँ पे लेबर यूज हैं हम उसे इजीली यूज कर सकते हैं इस कमोडिटी में भी और प्रोडक्शन में कोई भी फर्क नहीं आएगी लेकिन जो लेबर है ये इमोबाइल है विद इन द कंट्रीज यानी कि एक कंट्री से लेबर मूव नहीं कर सकता है दूसरी कंट्री में तो ये भी एक इसका एक अजम्पशन है अब ही इम्प्लिसिटली अज्यूमर दैट एनी ट्रेड बिटवीन टू नेशंस कंसीडर्ड वुड टेक प्लेस अब इसने जो ये अज्यूम किया है कि कोई भी ट्रेड दो नेशंस के बीच तब टेक प्लेस करेगा इफ ईच ऑफ द टू कंट्रीज हैज एन एब्सोल्यूट लोअर एब्सोल्युटली लोअर कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द कमोडिटीज यानी कि जब एक कंट्री के पास ऐसा गुड है जिसमें वो लवर जो वो लवर कास्ट पे प्रोड्यूस कर सकती हैं सपोज कंट्री ए है ये इस प्रोडक्ट को लवर सपोज एक कंट्री है वो कमोडिटी uh, ए बना रही है जब ये इस प्रोडक्ट को लवर कास्ट पे बना सकती हैं और दूसरी कंट्री है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को सपोज प्रोडक्ट बी को लवर कास्ट पे बना सकती हैं तब जाके जो है ये ट्रेड टेक प्लेस करेगा तो ये था इसका एक और एजम्पन टू कंट्रीज टू कंट्रीज एन एबलीस्ट इन द कमोडिटीज तो ये था इसका आ, ये था इसका आखिरी एजम्पन तो आई होप कि आपको ये थोड़ी अच्छे से समझ आ होगी हो तो आ, मिलते हैं अगले वीडियो में Uh, thanks for watching. Take care. Bye bye.